नमस्कार, मैं शिवा पुरोहित और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि सागर में भी अब कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ गया है। सागर में एक युवक है 25 साल का जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता अनुज गौतम। ज्यादा जानकारी के लिए अनुज के पास चलते हैं। अनुज, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं हमें। देखिए, ये जो 25 साल का युवक है, ये कृष्णगंज वार्ड का निवासी बताया जा रहा है। तो इसको 4-5 दिन पहले टीबी हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। इसको शिकायत, कुछ लक्षण पाए गए थे इसमें, तो उसके बाद इस भोपाल एम्स से इसकी रिपोर्ट भेजी गई थी। आज भोपाल एम्स से इसकी रिपोर्ट आई है, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की है, ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। कलेक्टर ने भी कहा है कि पॉजिटिव आई है, लेकिन इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहाँ, ये युवक जो है, क्या इसकी क्या हिस्ट्री क्या है? ये कहीं से बाहर से आया था या ये कहीं किसी के संपर्क में आया? ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री क्या, कुछ मालूम पड़ पाया है अनुज? देखिए, अभी तक इसके बारे में कॉन्टेक्ट हिस्ट्री और ट्रेवल हिस्ट्री के लिए जांच टीम गठित कर दी गई है अभी तक, लेकिन इसके बारे में कोई ट्रेवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। लेकिन जो भी कॉन्टेक्ट में आए हैं उनका पता लगाया जा रहा है, और उन उस क्षेत्र में आज प्रशासन का अमला पहुंचा था, कलेक्टर पहुंचे थे, SP पहुंचे थे, और उन लोगों ने वहां के पूरे क्षेत्रवासियों को हिदायत दी है कि वो लोग घर में रहें, बार बार हाथ धोएं, मास्क लगाएं, और उस क्षेत्र को जो है सील करने की तैयारी चल रही है। अनुज, एक बात बताएं, ये आप बता रहे हैं करीब 4 दिन पहले ये टीवी वार्ड में आइसोलेशन में आ गया था, ये कब से इसको शिकायत थी, कब ये नोटिस में आया कि इसकी तबीयत बिगड़ी है, कोरोना, इसको लाया गया यहाँ टीवी हॉस्पिटल, ये कुछ जानकारी? सर्दी, खांसी और जुकाम के इसमें ज्यादा लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद इसे संदिग्ध मानते हुए इसकी रिपोर्ट भोपाल एम्स भेजी गई थी। एक रिपोर्ट को आने में लगभग 2.5 से 3 दिन का समय लगता है, तो 2-3 दिन पहले इसकी रिपोर्ट गई होगी, उसके बाद आज ये रिपोर्ट आई है और इसकी पुष्टि की गई है कि इसको कोरोना पॉजिटिव है। पूरे सागर जिले में प्रशासन ने अपील की है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें, और संक्रमण से बचने के लिए अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। अनुज, ये मामला जैसे ही सामने आया है, पॉजिटिव मामला है, कोरोना पॉजिटिव का ये मामला सामने आया, इसके बाद इस पे मरीज के साथ, चूंकि आप बता रहे हैं टीवी वार्ड में था, अब इसका क्या, कहाँ इसको शिफ्ट किया गया है, ये बताएं जरा। ये इसके लिए BMC को 120 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाया गया है, तो इसके लिए BMC में शिफ्ट कर दिया गया है, और वहां पर इसको जो अब कोरोना से तकलीफ हो रही है उसका इलाज शुरू कर दिया गया। अनुज, जैसे ये 4 दिन पहले यहाँ एडमिट हुआ, उसके पहले कई लोगों से संपर्क में आया होगा, ऐसे में प्रशासन क्या कदम उठा रहा है जिनके संपर्क में ये आया हो, और इससे जुड़े लोगों के लिए प्रशासन अभी क्या पूरा इंतजाम कर रहा है? देखिए, इसके लिए जो सागर CHMO है उन्होंने टीम गठित कर दी है, और ये टीम जो है अब कॉन्टेक्ट और उसकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, और जिन भी लोगों के संपर्क में आया होगा उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके जांच भी की जाएगी, ताकि और ये संक्रमण फैल ना सके और जहां तक है अभी वहीं सीमित रह जाए। जैसा जानकारी में था कि जहां भी कोरोना पॉजिटिव मामला आएगा, जिस इलाके से आएगा, उस इलाके में उस इलाके को सील कर दिया जाएगा, लगभग 3 किलोमीटर के दायरे को, पूरे में 3 किलोमीटर के दायरे को इसमें लिया जाएगा। तो अभी चूंकि शहर के बीचों बीच का मामला है, कृष्णगंज वार्ड, शनिचरी वार्ड, ये इलाका जो है बड़ा कंजेस्टेड इलाका है और बड़े घनी बस्ती वाला इलाका है, ऐसे में कितना खतरा बढ़ गया है? देखिए, इसके लिए, इसी के लिए जैसे ही ये खबर लगी कि शनिचरी या कृष्णगंज वार्ड से ये जो कोरोना पॉजिटिव मरीज आया, सबसे पहले वहां पूरे इलाके में सैनिटाइज करवाया गया है, उसके बाद पूरा प्रशासनिक अमला, नगर निगम के आयुक्त से लेकर कलेक्टर, स्वास्थ्य अमला, SP और अन्य अधिकारी वहां पर पहुंचे और पूरा जायजा लिया, एक एक व्यक्ति के एक एक घर जाकर सभी लोगों को समझाया गया है कि ये बहुत गंभीर बीमारी है और आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये अपने शहर में दस्तक दे चुका है। जी अनुज, जिस तरीके से माहौल है कोरोना पॉजिटिव को लेकर देश भर में, कोरोना बीमारी को लेकर, COVID-19 को लेकर, सागर में भी अब एहतियात के बहुत इंतजाम करने होंगे, ऐसा होगा लोगों को, अब तक जो लापरवाहियां लोग करते आ रहे थे अब उनसे सचेत होना पड़ेगा। प्रशासन ने जो अपील की है और पूरी तरीके से जो सागर को लॉकडाउन किया है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं कि अब लोगों को क्या करना चाहिए और इस
सिचुएशन में लोगों को बिना डरे जो आप अपने आप अपने आप को खुद को संयमित रखते हुए घरों में रहना चाहिए, इस पे थोड़ा सा बात करें। देखिए अभी तक सागर के जो लोग हैं, अगर मुख्य सड़कों को छोड़ दें या चौराहों को छोड़ दें तो वहां पर जरूर लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन जो तंग गलियां हैं, शहर के आउटसाइड में मोहल्ले हैं, वार्ड हैं, वहां पर लोग इसे हल्के में ले रहे थे कि कोरोना होगा कुछ, तो हल्के में ले रहे थे और घरों से निकल रहे थे, जी यहाँ वहां जा रहे थे, तंग गलियों से निकल रहे थे। इसके बाद ही जैसे ही प्रशासन इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो उसे लॉकडाउन करने की आवश्यकता पड़ी और आज सुबह 10 बजे से उसने टोटल लॉकडाउन किया। और लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि बार बार अपने घर में कम से कम 5 बार दिन में हाथ धोएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और जितना भी हो आप अपने घर से अपने कमरों से ना निकलें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वायरस को रोकने के लिए यही एक सबसे बड़ा उपाय है कि इस वायरस को अगर फैलने से रोकना है तो इसके लिए घरों में रहें। हम भी अपील करते हैं अपने सागर टीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों से, सागर वासियों से और पूरे देशवासियों से कि आप सभी घर में रहें, घर में आप सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। आज जो कोरोना का जो संक्रमण फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है इससे दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग। और घरों में आप अपने आप को लॉकडाउन कर लें, घर में आप अपने आप को सेफ कर लें और घरों के बाहर ना निकलें। अब मामला जो है वो ये है कि सागर में भी कोरोना पॉजिटिव का जो मामला आ गया है, इस मामले के आने के बाद कई सारे खतरे भी बढ़ गए हैं और कई सारी सावधानियां को और कोरोना पॉजिटिव का ये गंभीर मामला सागर से सामने आया है। अब सभी की निगाहें हैं कि आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे। अगर कोरोना से हमें जीतना है तो हमें सभी को अपने घरों में रहना होगा। ये हमारी आपसे अपील है, आप सभी अपने घरों में रहें और बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि अब खतरा हमारे दहलीज पर आ चुका है। शुक्रिया अनुज।